ಪ್ರಿಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಈ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬೀದರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಔರಾದ್ ತಾಲೂಕಿನ ದಾಬ್ಕಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಹಾಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತಿ ಸದಸ್ಯರು ಹಾಗೂ ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷದ ಹಿರಿಯ ಮುಖಂಡರು ಹಾಗೂ 20 ವರ್ಷದಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿರುವ ಜನಪ್ರಿಯ ನಾಯಕರಾದ ಶ್ರೀಮಾನ್ಯ ಮಾರುತಿ ಚೌಹಾನ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಇವರ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಬಾರ್ಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹಿಂದಿದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ politiciansinindia.com ಅಟ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪರವಾಗಿ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತ ಸರ್. ಸರ್, ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಅವ್ರ ರಾಜಕೀಯ ಕಬ್ಸೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಕಿಯ ಸರ್? ಸರ್, ಸಮಾಜ ಸೇವಾ 20 ಸಾಲ ಸೇ ಕರ ರಹಾ ಹೂ ಸರ್. ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಹಮಾರಾ ಮೇರಾ ಜೋ ಭೀ ಯೇ ಹೋತಾ ವೋ ಸಮಾಜ ಸೇವಾ ಕರೇ ಸರ್ 20 ಸಾಲ ಸೇ. ಅಭಿ ರಾಜಕೀಯ ಮೇ 10 ಸಾಲ ಹೋಗಾ ಸರ್. ರಾಜಕೀಯ ಮೇ ಆಕೆ 10 ಸಾಲ ಹೋಗಾ. 10 ಸಾಲ ಸೇ ಆಪ್ ಸಾಹಬ್ ಸೇವಾ ಕರ ರಹೇ. ಠೀಕ್ ಹೈ ಸರ್. ಸರ್, ಆಪ್ ಜೆಡ್ ಪಿ ಮೆಂಬರ್ ಹೋಕೆ ದಾಬ್ಕಾ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮೇ 2 ಸಾಲ ಹೋನೆ ಕೋ ಹೈ. ಇಸ್ 2 ಸಾಲ ಮೇ ಆಪ್ ಅಪ್ನೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮೇ ಕ್ಯಾ ಕ್ಯಾ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕಿಯೇ ಹೋ ಸರ್? ಸರ್, ವಾಟರ್ ಸಪ್ಲೈ ಬಗ್ಗೆ, ಹಾಗೆ ಕ್ಯಾಚ್ ವರ್ಕರ್ ಕೆ ಸರ್, ಕಂಪೌಂಡ್ ವಾಲ್ ರಕ್ಕೆ, ಬಾವಲ್ ಗೋಮೆ ಭವನ ವಾಸ್ತೆ ಕಂಪೌಂಡ್ ರಕ್ಕೆ ಸರ್. ಓಕೆ. ಅವರ ರೋಡ್ ಫ್ಲವರ್ ಬಾವ್ ಹೊಕ್ಕನ್ನ ರೋಡ್ ರಕ್ಕೆ ಸರ್. ರೋಡ್ ಕಿ ಹೈ? ಠೀಕ್ ಹೈ. ಹಾಂ, ಸಿಸಿ ರೋಡ್? ಹಾಂ, ನಹೀಂ ಜೀ, ಪ್ಯಾಚ್ ವರ್ಕ್. ಠೀಕ್ ಹೈ. ಹೊಕ್ಕನ್ನ ಗುರುಗಾವ್ ರೋಡ್ ರಕ್ಕೆ. ಠೀಕ್ ಹೈ. ಪ್ಯಾಚ್ ವರ್ಕ್ ಕರಕ್ಕೆ ಸರ್. ಐಸಾ ಮುರ್ಕಿ ವಾಡಿ ಮೇ ಭವನ್ ರಕ್ಕೆ. ಹಾಂ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ್? ಹಾಂ, ನಹೀಂ ನಹೀಂ, ಓ ಭಗವಾನ್ ಕಾ ಭವನ್. ಹಾಂ ಜೀ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭವನ್ ನಹೀಂ, ಓ ಹನುಮಾನ್ ಕಾ ಭವನ್ ಹೈ. ಓಕೆ, ಠೀಕ್ ಹೈ, ಠೀಕ್ ಹೈ. ರಂಗ್ ಮಂದಿರ್? ರಂಗ್ ಮಂದಿರ್ ಕಿ ಹೈ? ಠೀಕ್ ಹೈ. ಔರ್ छोटा छोटा ऐसा जैसा फंड है वैसा वैसा डेवलपमेंट कर रहे हैं. ठीक है सर. और आपके अपने क्षेत्र में, आप दबका क्षेत्र में वाटर सप्लाई का वर्क कितना किया सर? वाटर सप्लाई का वर्क सर बिजरगांव एक करे, गंगनपुरी एक करे, अकनापुर एक करे, बिजरगांव एक करे, फिर लिंगी एक करे सर, वाड़ी एक करे, रामसेना एक तांडा वाटर सप्लाई में रखे सर. अब अप्रूव होगा वो अप्रूव ಹೊಕ್ಕರ್ನಾ ಕಿಸ್ನಾಗ ತಂಡ ವಾಟರ್ ಸಪ್ಲೈ ರೊಕ್ಕ ಸಹ ಅಪ್ರೂವ್ ಹೋಗಾ. ಠೀಕ್ ಹೈ. ಟೆಂಡರ್ ಕಾಮ್ ಅಪ್ರೂವ್ ಹೋಗಿ ಆಯ ಸರ್. ಹಾಂ ಹಾಂ, 20 ಲಾಖ ವಾಟರ್ ಸಪ್ಲೈ ಇರೋಕ್ಕೆ ಓ ಬಿ ಅಪ್ರೂವ್ ಹೋಗಾ. ಠೀಕ್ ಹೈ. ಹಾಂ, ಅಕ್ರಾಪುರ್ ಕಾಮ್ ಹೋಗಾ ಸರ್, ಗಂಗನಬೀಡ್ ಕಾಮ್ ಹೋಗಾ, ಬಿಜರ್ಗಾಂವ್ ಕಾಮ್ ಚಲ್ ರಾ, ಲಿಂಗಿ ಕಾಮ್ ಚಲ್ ರಾ ಸರ್, ವಾಡಿ ಕಾಮ್ ಚಲ್ ರಾ ವಾಟರ್ ಸಪ್ಲೈ. ಪೂರಾ ವಾಟರ್ ಸಪ್ಲೈ? ಹಾಂ ಜೀ, ಹಾಂ ಜೀ. तो ज्यादातर आप वाटर सप्लाई को कंसंट्रेट कर रहे हैं? हाँ जी. अब हंगरगे में ये स्कूल रिपेयरिंग अप्रूव होगा एजुकेशन के लिए. ठीक है. हाँ जी. अब उसलिए जैसा 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 फंड है वैसा सर्कल में यूज आप डिस्ट्रीब्यूट करते जा रहे हैं. हाँ, कर आप डेवलपमेंट. हाँ जी. ठीक है, बहुत अच्छी बात है सर. सर, कोई भी एक क्षेत्र डेवलपमेंट होना है तो स्कूल्स और एजुकेशन बहुत इम्पोर्टेंट मायने रखते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट रखते हैं. तो आपके क्षेत्र में आप स्कूल्स के लिए कितना डेवलपमेंट किया सर? आप हमारे क्षेत्र में सर स्कूल की गरज है, स्कूल होना, फिर वो स्कूल चलना बहुत बहुत ये है, मुसीबत है सर. हाँ, स्कूल के बारे में हमारा तो क्या बाकुड़ एरिया है, बाकुड़ एरिया में डेवलपमेंट होना ये ऐसा हम महाराज आदमी है सब. हम जैसा ऐसा डेवलप रहे वैसे डेवलपमेंट हम करते जाना, ये हमारा फर्ज है सर. ठीक है, बहुत अच्छी बात है सर. और कौन से स्कूल्स के लिए आप डेवलपमेंट करके हो सर? कौन सी जगह? मैं तो सर बावल दबका में दिए वो अप्रूव नहीं हुआ सर. ऐसा सब सब जो जो स्कूल में गरज है वो दिए सर जी. कुछ थोड़ा पर हुआ, कुछ नहीं हुआ, वो गलत बात कैसा बोलना बोल के नहीं बोल रहा. ऐसा तो सर्कल में सब रखा, ये थोड़ा 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 हुआ सर. और बहुत सारे स्कूल्स को डेवलपमेंट है, बहुत सारे को नहीं, पेंडिंग पड़ गया. हाँ, हाँ, इसको टीचर नहीं है, वो तो ये है सर प्रॉब्लम्स है. हाँ, हाँ, बहुत प्रॉब्लम है, बाकवड़ एरिया है, उसकी वजह से हम थोड़ा 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 तुम्हारे दुआ से हम थोड़ा थोड़ा समाज सेवा कर रहे सर. बहुत अच्छी बात है सर. और ऐसे ही आप अपने क्षेत्र में हॉस्पिटल्स कैसे रिपेयर कर रहे हैं सर? हॉस्पिटल्स के लिए कोई बजट रख रहे हैं सर? हॉस्पिटल रिपेयर के लिए कोई हॉस्पिटल भी रिपेयर के बजट रखे सब अप्रूव नहीं हुआ, कहीं हुआ कहीं नहीं हुआ. वो भी वैसे ही है, कहीं हुआ कहीं नहीं हुआ. तो बहुत सारी जगह पे आप हॉस्पिटल्स भी रिपेयर किए हो? हम जिधर रखे उधर थोड़ा हुआ, जिधर नहीं हुआ सब मुतखेड़ में नहीं हुआ. और
अपना तो कुल समस्या गांव में नहीं हुआ सर, बाकी के दूसरे गांव में आप डेवलप थोड़ा थोड़ा हुआ जी। ठीक है, बहुत अच्छी बात है सर। सर आप अपने क्षेत्र में लेडीज को कितना रिस्पांस देके उनको क्या क्या सहूलत करके देखे हो सर? मिशन दिए सर, वो टेलरिंग मशीन, हाँ मिशन दिए कपड़े सिलने को। ठीक है, और वो सुतार को ये दिया ग्रेट बोल के दिया सुतारों को मिशन। हाँ, और वो चंबार को वो ये रहते थे को वो काम करने वाला है ना आता ना। हाँ, काम करने की चीजें। हाँ, लेडीज जो भी काम करते हैं लेडीज को तो मिशन दिया। ठीक है, सुतारा का वो मिशन दिया ग्रीन मिशन बोल के। ठीक है, और वो उसमें से वो हमारा चंबार लोग रहता ना उसमें भी एक मिशन रहता है, वो मिशन भी दिया सर। ठीक है। हाँ सर, आप अपने हैंडीकैप्स को अपने क्षेत्र में क्या क्या कराते हैं? हैंडीकैप से दिए सर, हमने 10-12 लोगों का नाम, 10 लोगों का नाम दिए। हाँ, तो अभी अप्रूवल होके आना है, कितने लोगों को आता उनके लोगों को आप सप्लाई करें। ठीक है, और ये बीजेपी से आप प्रधानमंत्री योजना जो है कि उज्जवल योजना, आप कितने लोगों को गैस दिए सर इधर? अब साहब हमारे सर्कल में दिए साहब थोड़ा वो ये लिस्ट नहीं है, सबको दिए सर, थोड़ा सबको दिए सारे। हाँ, लेडीज को जितने भी जरूरतमंद थे उन सबको। हाँ, गैस सप्लाई की। हाँ, सप्लाई की। ठीक है, बहुत अच्छी बात है सर। सर आप एक ZP मेंबर हो के, आप बीजेपी के पुराने लीडर हो के, आप अपने जो क्षेत्र में दापका क्षेत्र में किसानों के लिए क्या सा सहूलत करके देखे हो सर? किसानों के लिए सर, किसान भाई भाई को ये क्या कृषि मुद्दा दिए सर, और वो अब इसमें वो पंचायत में आता बावड़ी बोल के वो भी दिए साहब। ओके, हाँ जी, बहुत सारे सहूलत करके। हाँ, सब पंचायत। हाँ, जो जो भी है वैसा देते चले साहब। ठीक है, बहुत अच्छी बात है सर। सर आपके क्षेत्र में आपके MLA के तरफ से क्या क्या डेवलपमेंट हो गए सर? इधर ये सालों में बैरिज हुआ सर। हाँ, MLA की तरफ से। MLA की तरफ। हाँ ठीक है, भंगरकोंटा में हुआ सर बैरिज होगा। फिर हमारे दापका सर्कल की बात बोल रहा हूँ सर। हाँ हाँ, दापका क्षेत्र। हाँ ठीक है, वो इसमें ये होगा मुदखेड़ में होगा सर। ठीक है, बैरेज होगा। बैरेज, ठीक है। हाँ, ऐसा बहुत जगह पर उसका काम होगा सर, बहुत बड़े बड़े। हाँ, बहुत बड़े बड़े काम होगा सर। ठीक है सर। सर राजकीय छोड़ के अब 20 साल से आप किस तरह से समाज सेवा कर लेके आए सर? 20 साल से साहब ये समाज सेवा कर रहे, सुख में दुख में ये करते करते 20 साल से समाज सेवा करते करते अब राजकीय में है साहब। राजकीय में 10 साल ये सेवा कर रहे हमारे क्षेत्र में, सुख में है दुख में है कौन सा भी हमारे को जो जो भी काम होता वो सही ढंग से ईमानदार से हम काम करें। हमारे भी भाई MLA हो के सब साथ सर्कल में अच्छे से काम करे सब। हम कौन सा भी काम झूठ नहीं करे, बड़ा बड़ा काम हो, रोड हो, इक्षुर हो, कौन सा भी हो कि हम कर रहे समाज हमको चाहते साहब, समाज को हमको समाज को चाहते, समाज हमको चाहते, ऐसा भगवान का नाम देके हम तुम्हारे दुआ से काम करते हैं। बहुत अच्छी बात है सर, इसी तरह आगे भी आप डेवलपमेंट करते रहो। और एक बात आखिरी में आपको पूछना है सर, नेक्स्ट जो MLA इलेक्शन आ रहा है 2018 का, उस सिलसिले में आपके जो वोटर्स हैं आपके जो क्षेत्र के, उनको आप क्या संदेश देना चाहोगे सर? हम क्षेत्र में काम अच्छा करें सर, काम के बारे में कोई ये नहीं है, काम करे बोल के समाज हमारे पीछे है, समाज को लेके हम चल रहे, समाज हमको लेके चल रहे सर। कहीं भी हम झूठ बोलने वाला नहीं, किसको फंसाया नहीं, डुबाया नहीं, खाया नहीं, पिया नहीं, सही ढंग से समाज को लेके चल रहे सर। आपके जो राजकीय जो बातें हैं अपने अपने और अपने दर्शकों के साथ आपको शेयर करने के लिए आपको हमारे तरफ से धन्यवाद सर। ತಾವು ಕೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಹಾಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯರಾದ ಮಾರುತಿ ಚೌಹಾನ್ ಸರ್ನವರ ಮಾತುಗಳು. ಇವರ ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಲಾಗ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ www.politiciansinindia.com. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ.